ओके बच्चों, बच्चों आपकी जो अब जो दूसरी टर्म है ठीक है ना, ये है पार्सेक। पार्सेक पार्सेक को बच्चों हम लोग पैरालेक्टिक सेकंड भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पैरालेक्टिक सेकंड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पार्सेक। दिस इज अनदर यूनिट विच इज यूज इन कैलकुलेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोगों ने लाइट ईयर पढ़ा था कि लाइट ईयर किस पे काम आता है, ठीक है बच्चों। तो लाइट ईयर काम आता है लार्ज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट के बीच में, जब हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लार्ज डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही पार्सेक भी जो है बच्चों एक प्रैक्टिकल यूनिट है, लार्ज डिस्टेंस में हमारे काम आती है ये। तो फिर से लार्ज डिस्टेंस को नापने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड यूनिट कौन सी है हमारे पास, पार्सेक। ओके बच्चों, तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पार्सेक भी एक हमारे पास तीसरी यूनिट है लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। नाउ तो देखना यह है बच्चों कि इसको हम लोग कैसे करते हैं मेजर, हाउ कैन बी मेजर द पार्सेक। ओके बच्चों, तो इसको मेजर करने से पहले हम लोग इसकी टेक्निक सीखते हैं बच्चों कि कैसे इसको हम लोग करते हैं मेजर। ओके ना, पहले आप लोग ये सीख लो कि कैसे इसको हम करते हैं मेजर, फिर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम लोग पार्सेक को मेजर करते हैं। नाउ तो बच्चों देखो जरा, एक पॉइंट आप करो कंसीडर, ये एक पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट से आप ये दो लाइन ड्रॉ करो और इन दोनों लाइन के बीच का आप निकालो ये डिस्टेंस, दिस, ठीक है बच्चों। मान लो एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका बी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस पॉइंट के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, इस एंगल को आपको लेना है कितना, इस एंगल को लेना है आपको 1 सेकेंड। तो ये जो बच्चों एंगल है इसको आपको लेना है 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड को हम लोग 1 डबल डैश ऐसे भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 डबल डैश और 1 सेकेंड, कितना एंगल हमने दिया यहाँ पर। अच्छा फिर से, तो सेंटर से कितना एंगल बना है बच्चों, सेंटर से एंगल बना है 1 सेकेंड एंगल। और बच्चों जो ये आर्क है, आर्क इसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, ए बी से, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम कीजिए, अगर मैं इस लाइन को और आगे ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये बढ़ जाएगा, इस डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसको मैं अगर और आगे लेके जाता हूँ, और आगे लेके, तो बच्चों इस डिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इस डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों और बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इट इज कंसीडर एन आर्क, इसको आप एक आर्क कंसीडर करना, इसको आप कंसीडर करना एक आर्क। तो बच्चों ये डिस्टेंस है ना, ये इन दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये बी, बच्चों इनके बीच का जो गैप है, जो गैप है, अगर ये गैप आपका हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर ये गैप आपके इनके बीच का हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और सेंटर पे एंगल कितना है बच्चों, 1 सेकेंड का एंगल। तो जितना ये डिस्टेंस है बच्चों, जितना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसे हम बोलेंगे
1 parsec. इसे हम बोलेंगे बच्चों 1 parsec. तो 1 parsec एक्चुअली अ लेंथ, 1 parsec एक्चुअली अ लेंथ. लेकिन 1 parsec को हम लोग 1 parsec कब बोलेंगे? पार्सेक को, पैरेलेक्टिक सेकंड को हम लोग 1 कब बोलते हैं बच्चों? जब एंगल सेंटर से कितना बने 1 सेकंड का, और एक आर्क के बीच का गैप कितना होना चाहिए बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. देन दिस लेंथ इज कॉल्ड 1 parsec. बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो टाइप करो नॉट क्लियर. अगर आपको ये 1 parsec की डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों तो टाइप करो क्लियर. जल्दी से अपना कमेंट रिप्लाई करो मुझे. हाँ बच्चों, तो इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ बच्चों. जरा यहाँ देखो आप, देखो बच्चों ये एक पॉइंट हमने किया कंसीडर ओ, और इस पॉइंट से ये आप एक अर्क. ये बच्चों अगर आप में से कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि आर्क तो एक कर्व होता है, कर्व तो मैंने इसको स्ट्रेट क्यों लिया? आप में से कुछ बच्चों के अगर माइंड में कंफ्यूजन है कि आर्क तो एक कर्व होता है, मैंने स्ट्रेट क्यों लिया, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात कर दूँ क्लियर. अगर समझ नहीं आए तो आप इसको रट लेना बच्चों, ठीक है ना. ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखो बच्चों अगर आपको प्रैक्टिकली समझ में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है. यहाँ देखो जरा, आप एक बात सोचो बच्चों, हाँ बच्चों ये एक एंगल है, ये एंगल बच्चों अभी 1 डिग्री से बड़ा है. मान लो ये 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है. मान लेते हैं बच्चों ये एंगल है आपका 10 डिग्री. मान लो बच्चों ये आपका एंगल है 10 डिग्री. तो ये एक कर्व है, कर्व, ठीक है बच्चों. अब इस कर्व का, अब इस कर्व पे मैं अगर एक बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा एक एलिमेंट्री लेंथ लेता हूँ, बच्चों तो ये जो माइनर सी लेंथ है बच्चों, ये कर्व होगी या ये स्ट्रेट होगी? स्ट्रेट. इस कर्व पे अगर मैं एक माइनर सी लेंथ लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ, सिर्फ एक लंबाई का एक छोटा सा मैं लूँ एक टुकड़ा, तो टुकड़ा जो है बच्चों लेंथ का, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी या वो कर्व होगा बच्चों? टेल मी, मुझे कमेंट में रिप्लाई करो एक बार आप लोग. वेरी गुड. तो आप सबने कहा कि अगर बहुत छोटा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन. क्यों बच्चों ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हमने बहुत बड़े कर्व का एक माइनर सा पोर्शन लिया है बच्चों. अब आप खुद बच्चों सोचो, जरा खुद सोचो, अगर मैं छोटे से माइनर से पॉइंट से मैं अगर एंगल ड्रॉ करता हूँ, एंगल, मैं इस छोटे से दोनों पॉइंट से मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ एंगल, तो वह एंगल बच्चों बहुत कम आना चाहिए या बहुत ज़्यादा आना चाहिए? द एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल और शुड बी अ लार्ज वैल्यू ऑफ एंगल. बच्चों कमेंट करो जरा एक बार फिर से, ये एंगल जो है क्या होगा? दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, यस और नो? हाँ, द एंगल इज वेरी स्मॉल. अगर ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल जो है बहुत छोटा हो जाएगा एंगल. यही मैंने आपको समझाया था कि हमने बच्चों जो ये पॉइंट लिया, यहां मैंने बच्चों कितना एंगल लिया? ये एंगल लिया मैंने 1 सेकेंड एंगल, ओनली 1 सेकेंड.
अब आप जानते हो बच्चों एक सेकेंड एंगल कितना छोटा होता है। 1 डिग्री को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट एंगल आएगा। 1 मिनट, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, ये आएगा बच्चों आपका 1 मिनट। 1 मिनट, और जब हम लोग 1 मिनट को भी 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 सेकेंड एंगल। एक सेकेंड एंगल इतना छोटा होता है कि 1 मिनट मिनट को भी 60 से डिवाइड करने पर जो एंगल मिलता है उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड एंगल। अब ये एंगल इतना छोटा है बच्चों, तो ये जो बच्चों ये जो कर्व है, दिस कर्व इज बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? दिस कर्व इज बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, अगर आपको ये है, अगर आपको अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है कर्व है तो टाइप करो कमेंट। अगर आपको एक समझ में आ गया बच्चों तो टाइप करो कमेंट, क्लियर और नॉट क्लियर? ओके वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो देखो बच्चों, ये हमने फिर से मैं बात करता हूँ, सेंटर से हमने लिया एंगल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ठीक है। और ये जो हमने आर्क भी कंसीडर किया, अगर इस आर्क के बीच में, अगर इस आर्क के बीच का जो गैप है बच्चों, अगर ये गैप है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये जो लेंथ है ए बी, इसे हम बोलेंगे 1 पार्सेक, इसे हम बोलेंगे 1 पार्सेक, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से कर दूं डिस्कस कि ये 1 पार्सेक बच्चों, ये एक लेंथ है, लेंथ इसको सेकंड में नहीं करेंगे मेजर, इसको हम करेंगे मेजर मीटर में या किलोमीटर में। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना कि इसको हम सेकंड में मेजर करेंगे, तो ये आपके दिमाग में बात गलत आ रही है बच्चों, इसको निकाल दो। हम इसको 1 पार्सेक बोलते हैं, इसको हम लोग मीटर में करेंगे मेजर, अभी मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, अभी हम लोग यही हम लोग करने वाले हैं, अभी यही हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन इसका नाम 1 पार्सेक क्यों पड़ा, ये सोचिए, सोचिए जरा आप लोग कि 1 पार्सेक हमने क्यों पड़ा। तो देखो बच्चों, 1 पार्सेक हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंगल जो है वो कितना होता है सेंटर से, एंगल जो है सेंटर से होता है 1 सेकेंड का। दैट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज, दैट इज वाई इट इज नोन एज 1 पार्सेक। हाँ बच्चों, 1 पार्सेक लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरह ही लेंथ की एक दूसरी यूनिट है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब एक डाउट यह है कि 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है, जैसे लाइट ईयर में कितना होता है मीटर बच्चों, एक लाइट ईयर में कितना होता है मीटर, 9.467 10^-15 मीटर। जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल में कितनी होती है मीटर, 1.496 10^11 मीटर। ऐसे ही 1 पार्सेक में भी मीटर की वैल्यू होती है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ओके बच्चों, लेकिन उसकी डेफिनेशन पे आने से पहले एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि 1 पार्सेक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया बच्चों, यस या नो? कि एंगल लेना है आपको 1 सेकेंड और दो, और जो कर्व की लेंथ है उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं 1 पार्सेक। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब सिर्फ एक बच्चा है जो ये पूछ रहा है कि सर इसको मीटर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, मीटर वाला सेक्शन रिपीट कर दो एक बार, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, मैं मीटर वाला सेक्शन रिपीट करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, मीटर वाला सेक्शन रिपीट करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिखवा दूँ आपको कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग इस डायग्राम को अभी मत कॉपी करो, ठीक है बच्चों? आप पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, डेफिनेशन। पार्सेक, इट इज डिफाइंड एज द ऑफ आर्क। ओके बच्चों, तो 1 पार्सेक की डेफिनेशन देखो जरा क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ बच्चों कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एंगल कितना बनना चाहिए बच्चों, तो आंसर है सबस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पार्सेक। अब जरा देखिए आप लोग, पॉइंट ओ
कितना एंगल है यहाँ पर? एंगल है यहाँ पर 1 सेकेंड या 1 डबल डैश। और ये लेंथ कितनी है बच्चों इसके बीच में? ठीक है बच्चों, जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है? हाँ बच्चों, जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है? 1 AU। एंगल कितना है आपका? 1 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 1 पार्सेक। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ एन आर्क 1 AU, और जो ये डिस्टेंस है बच्चों यहां से लेकर यहां तक कैसे हमने नाम दिया 1 पार्सेक। ओके हाँ, ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों इस एक आप जो है ना इस ट्राइंगल पे मारो एक नजर, इस ट्राइंगल पे मारो एक नजर और देखो कि हमारे पास है एक इक्वेशन होती है बच्चों, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आप सबने पहले भी पढ़ रखी होगी बच्चों। अच्छा, अब इस ट्राइंगल से सारी टर्म यहाँ पुट कर दो बच्चों। ये एंगल कितना है एंगल बच्चों? एंगल इज 1 सेकेंड इज इक्वल टू आर्क, बच्चों आर्क कितना है आपका? आर्क इज 1 AU अपॉन, और जो रेडियस है रेडियस ये है बच्चों 1 पार्सेक। अब बच्चों दूसरी बात कहता हूं मैं, इस इक्वेशन में ये जो बच्चों एंगल है एंगल, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, और रेडियन में कन्वर्जन ये आपको मैं सिखा चुका हूं, तो आप अपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो और यहां उसकी वैल्यू पुट करो। तो देखो बच्चों, सिंस 1 सेकेंड यानी कि 1 डबल डैश, ये कितना होता है बच्चों एंगल रेडियन में? 4.8 × −6 रेडियन। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस। ओके, ये मुझे याद है, आपको याद नहीं है आई थिंक, तो इसको आप लर्न कर लो, याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ओके, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.8 × −6 रेडियन। अब इस 1 सेकेंड की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो इधर, देयरफॉर 4.8 × −6 रेडियन इज इक्वल टू 1 AU। कितना होता है बच्चों 1 AU की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.496 × 10^11 मीटर अपॉन में 1 पार्सेक। ओके बच्चों, अब 1 पार्सेक को जो है, अब 1 पार्सेक को बच्चों आप ऊपर लेके आ जाओ और इस वैल्यू को आप नीचे लेके आ जाओ। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1.496 × 10^11 अपॉन में 4.8 × −6। ठीक बच्चों, ये है मीटर में। हाँ बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करो आपस में है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा इसमें 3.08 × 10^16 मीटर। वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10^16 मीटर, ये 1 पार्सेक की वैल्यू आई है बच्चों आपके पास। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि 1 पार्सेक जो है वो मीटर के बराबर है। और आपको पता होगा बच्चों लाइट ईयर में कितनी होती है पावर? 10^15। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितनी होती है पावर? 10^11। और 1 पार्सेक में कितनी है पावर? 10^16। तो इसका मतलब यह है कि 1 पार्सेक जो है सबसे बड़ी यूनिट होती है बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट।
among light year and astronomical unit. ओके बच्चों अब मैं इसी पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है ना, उसको आप ट्राई करना, पहले उसको आप ट्राई करना अपने आप से, उसके बाद मैं फिर बोर्ड पे इसको सॉल्व करवाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करके रीड कर लें। ओके बच्चों न्यूमेरिकल करने से पहले आप वो सारी टर्म्स को लर्न कर लो एक एक करके, ठीक है, कि लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, लाइट ईयर में कितने मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर, पारसेक में कितने मीटर, एक मिनट में कितने रेडियन, एक सेकंड में कितने रेडियन, ठीक है बच्चों, ये सारी वैल्यू को पहले आप लोग लर्न कर लो, अभी आप खाली मत बैठो, इन सारी वैल्यू को आप लोग पहले लर्न कर लो, ठीक है ना, आपको एकदम ये सारी वैल्यू को अप्लाई करना है। ओके बच्चों स्टॉप राइटिंग और जरा यहाँ देखिए आप कैसे करेंगे इसको हम लोग। ओके स्टॉप राइटिंग। हाँ बच्चों तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया बच्चों, ठीक है ना, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे हम लोग। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। बच्चों एक्चुअली क्या है कि इसमें एक डायग्राम बनाते हैं हम अर्थ का, दिस इज मून, मान लो बच्चे पॉइंट ओ है ये और ये बच्चों अर्थ है, अर्थ, ठीक है, एक पॉइंट ए ये रहा, एक पॉइंट बी ये रहा और ये इसके बीच का है डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग सी पॉइंट। बच्चों मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो ये है, ओ से ए मान लो या ओ से बी मान लो, ठीक है बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो ओ ए या ओ बी डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, अच्छा हमें यही निकालना है, हमें ओ ए और ओ बी यही निकालना है हमें, ठीक है ना। ओके अब देखो अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है इसमें बच्चों, ठीक है, हमें गिवन है ये कितना एंगल है, ये एंगल है 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। हाँ बच्चों सिंगल डैश है ना, हाँ सिंगल डैश है तो मतलब वो मिनट है मिनट, और यहाँ होता डबल डैश तो ये होता सेकेंड, तो क्योंकि यह सिंगल डैश है तो ये क्या है मिनट, तो 1 डिग्री 54 मिनट है आपका ये एंगल। ओके ओके बच्चों अब तो ये 1 डिग्री 54 मिनट ये हमें देखा है एंगल, तो पहले एक काम कीजिए आप इस एंगल को पहले आप कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, कैसे करेंगे देखो बच्चों, ये क्या है आपका 1 डिग्री, तो इसको पहले आप कर लो अलग अलग, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, ठीक है बच्चों, हमने से कर लिया अलग अलग, 1 डिग्री अलग 54 मिनट अलग। अच्छा अब बच्चों 1 डिग्री में कितने होते हैं रेडियन, फिर उसको ऐड कर लो, एक सेकेंड पहले इसको आप ऐड कर लो, थोड़ा सा इसको और सिंपली तरीके से कर लो। हाँ बच्चों तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, बच्चों 1 डिग्री 1 डिग्री में कितने होते हैं मिनट, तो हम जानते हैं 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 54 तो ये रहा, ठीक है ना, एंड ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 114 मिनट, तो ये आपका आ गया 114 मिनट।
ये आपका आ गया 140 मिनट। हाँ बच्चों, ओके तो 1 1, ओके तो 114 मिनट हमारा ये आ गया, ये मिनट में। अब इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में, इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में बच्चों। कैसे? एक मिनट में कितना होता है रेडियन है बच्चों? 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन मुझे याद है, इसलिए आप भी याद कर लो इसको, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको न्यूमेरिकल में। एक मिनट में होता है बच्चों इतना रेडियन, तो 2 मिनट में कितना होगा रेडियन बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। 3 मिनट में कितना होगा बच्चों रेडियन? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से। ऐसे ही 114 मिनट में कितना होगा रेडियन? तो आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 114 से, तो आंसर है 114 × 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। बच्चों ये हमने पूरा के पूरी एंगल की वैल्यू कन्वर्ट कर ली रेडियन में, ओके तो एंगल तो हमारा आ गया रेडियन में, ओके अब एक काम कीजिए, इसमें आप अपनी वैल्यू, इसमें बच्चों हम एक बात और मैं दिखा दूँ आपको पहले, कि जो ये है रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? ये होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों? इसमें गिवन है तो पता नहीं मुझे, गिवन है क्या इसमें? हाँ बच्चों गिवन है, डायमीटर पूरा डायमीटर गिवन है इसमें तुम, ठीक है ना? इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा डायमीटर। मुझे पूरा आपका डायमीटर गिवन है, कितना डायमीटर है ये? डायमीटर मिल लिया यहाँ पर ए बी, तो ए बी यहाँ हमारा डायमीटर है। हमने मान लिया कि हमारा ए बी कितना है बच्चों, इसमें ए बी गिवन है हमें 1.276 × 10⁷ मीटर। 1.276 × 10⁷ मीटर बच्चों, ये तो हमारा आ गया डायमीटर। तो डायमीटर भी हमें मालूम पड़ गया बच्चों, डायमीटर भी हमें मालूम पड़ गया, एंगल भी हमें मालूम पड़ गया बच्चों। अब सिर्फ क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है ये ओ ए या ओ बी, ओके बच्चों। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, इस पोर्शन को या इसी को रब कर देता हूँ मैं। हाँ बच्चों अब आप एक काम कीजिए, आप अपना वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना? तो देखो जरा इस ट्राइंगल में दिस इज एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो इन दिस एंगल एंगल कितना है बच्चों आपके पास? कितना एंगल है? 1.44 × 2.9 × −4 रेडियन इज इक्वल टू आर्क बच्चों, इसमें आर्क आपका पूरा डायमीटर है ये ए बी अपॉन में, दिस इज बिहेव लाइक अ रेडियस। तो ये कितना आ गया आपके पास? ओ ए। और बच्चों ये ओ ए क्या था? ये ओ ए था हमारा डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, और हमें ये ओ ही निकालना है बच्चों। अब एक काम कीजिए, ये ओ ए कितना आ गया आपका? ओ ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 114 × 2.9 × −4 रेडियन, ठीक है बच्चों? अब यहाँ आप ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका ए बी कितना आ गया? दिस इज द डायमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1.2। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 1। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों आपको? 1.276 × 10⁷ मीटर अपॉन में, ये कितनी वैल्यू है? 114 × 2.9 × −4 रेडियन। बच्चों अब सिर्फ क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है बस। अब पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया, आपको बस इसको अब कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर देते हैं बच्चों, ठीक है? इसको कैलकुलेट करो बच्चों, बताओ आपका कितना आंसर आया। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 3.84
10 की पावर 8 मीटर। ठीक है बच्चों, जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3.84 × 10^8 meter। तो दिस इज द लेंथ बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये था बच्चों आपका पैरेलेक्स मेथड। तो पैरेलेक्स मेथड से आपने क्या किया, मून और अर्थ का डिस्टेंस निकाल लिया। ऐसे ही और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आप बड़े ही आराम से इसको आप पुट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आप वैल्यू को पुट तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपनी वैल्यू को डायरेक्ट लर्न कर लो। एक डिग्री में कितना रेडियन, एक मिनट में कितना रेडियन, एक सेकंड में कितना रेडियन, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू कितनी होती है, पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, एटलीस्ट आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसको लर्न करो और अपने एग्जाम में इसको आराम से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही हैं ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया बच्चों, तो टाइप करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर। ओके बच्चों, और बच्चों इसके जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं ना, इसके जो और भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको एज अ असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना। ठीक है, पैरेलेक्स मेथड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो मैं आपको ग्रुप में कल तक सेंड कर दूंगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में। ओके बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वी विल मीट आफ्टर टुमारो ऑन सैटरडे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड नमस्कार बच्चों, एंड अपना अपना ख्याल रखना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों।